हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मैथ्स वाटिका में। दोस्तों, मैं हूं रूपेश यादव और रीजनिंग फाउंडेशन का यह आपका 30वां क्लास है। पिछले क्लास में हम लोगों ने सीटिंग अरेंजमेंट को समाप्त किया था, तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस अब हम लोग चलेंगे नए टॉपिक की ओर। और जो नया टॉपिक है वह है आपका वेन डाइग्राम यानी कि वेन आरेख। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि लगभग सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एक ही डाटा के ऊपर आपका 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए इस नए टॉपिक की शुरुआत हम लोग करें। देखिए, वेन डायग्राम में टोटल 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से आज हम लोग टाइप फर्स्ट को देखेंगे। पहला क्वेश्चन देखिएगा, टाइप फर्स्ट का आपके सामने है। बोला यह गया है कि 5000 की आबादी वाले एक कस्बे में, एक कस्बे की यानी कि गांव की कुल आबादी दे रखा है 5000। अब आगे बोला है इसमें 3200 लोग चाय पीते हैं। देखो, केवल चाय नहीं बोला है, 3200 लोग चाय पीते हैं बोला है। आगे 2500 लोग कॉफी पीते हैं। इसके अलावा डाटा दिया है कि 1500 लोग चाय और कॉफ़ी दोनों, देखिए चाय और कॉफ़ी दोनों पीने वाले का संख्या दे रखा है 1500। अब इसी डाटा के बेसिस पर हम लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो देखिए, वेन डायग्राम के क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका क्या है। यहाँ पे दो अलग अलग वस्तु है, चाय और कॉफ़ी, तो हम दो वेन डायग्राम ऐसे बनाएंगे। एक डायग्राम हम इस तरीके से बनाएंगे और एक ऐसे बनाएंगे कि इसका कुछ पार्ट आपका कॉमन हो जाए। ठीक है, तो एक हो गया हमारा चाय के लिए और दूसरा हो गया कॉफी के लिए। इतना आपका क्लियर हो रहा होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं किसी को होना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़िए। अब इसके आगे देखिए, सबसे पहला काम आपको क्या करना है ध्यान से समझिएगा। इस पार्ट में हम लोग लिखेंगे केवल चाय पीने वाले व्यक्तियों की संख्या। ध्यान से सुनिएगा, केवल चाय पीने वाले व्यक्तियों की संख्या इस पार्ट में लिखेंगे, और इस पार्ट में लिखेंगे केवल कॉफी पीने वाले व्यक्तियों की संख्या, और बीच में हम लिखेंगे चाय और कॉफी दोनों पीने वाले का संख्या। और जब भी क्वेश्चन को सोल्व करना आप शुरू करिएगा तो पहले कॉमन डाटा से शुरू करिएगा, यानी सबसे पहले आपको लिखना है चाय और कॉफी दोनों पीने वाले की संख्या को। तो देखिएगा यहाँ पे कि चाय और कॉफी दोनों पीने वाले का संख्या कितना है, 1500। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, चाय और कॉफी दोनों पीने वाला का जो संख्या है उसको। तो चाय और कॉफी दोनों पीने वाला का संख्या है 1500, सबसे पहले हम यही लिखें। आगे बढ़िए, पहला काम समझ में आ चुका है। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सबसे पहले आपको लिखना है चाय और कॉफी दोनों पीने वाले की संख्या को, जो कि आपका कितना है 1500, यानी हमेशा पहले कॉमन डाटा। अब ध्यान से देखिए, यह 1500 कौन से पार्ट में है, चाय वाले में है कि कॉफी वाले में। तो गौर से देखिएगा तो पता चलेगा कि चाय के वेन डायग्राम में भी 1500 है और कॉफी के वेन डायग्राम में भी 1500 है, यानी अभी 1500 जो डाटा है वह चाय में भी है और कॉफी में भी है। आगे बढ़िए, अब चलिए स्टार्टिंग में, 5000 गांव की कुल आबादी, 3200 लोग चाय पीते हैं, यानी चाय वाले वेन डायग्राम में कुल व्यक्तियों की संख्या 3200 होना चाहिए। तो 3200 में से 1500 तो लिख चुके हैं, तो 3200 माइनस 1500 शेष कितना बचा, 1700, यानी 1700 लोग ऐसे होंगे जो केवल चाय पियेंगे। चाय पीने वाले व्यक्तियों का संख्या कितना दे रखा है, 3200, मतलब इस वाले वेन डायग्राम में 3200 आना चाहिए, तो पहले से 1500 है, कितना और लिखे कि इसका कुल संख्या 3200 हो जाए। तो 3200 माइनस 1500 यानी यहाँ पे लिखना पड़ेगा 1700। अब बहुत ही ध्यान से इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझिएगा, केवल चाय पीने वाले व्यक्तियों का संख्या 1700, लेकिन चाय पीने वाले व्यक्तियों का संख्या कितना, 1700 और 1500 3200। केवल चाय 1700 है ना, केवल चाय 1700, लेकिन चाय पीने वाले व्यक्तियों का संख्या हो जाएगा 3200। आगे बढ़िए, अब आगे कॉफी पीने वाले व्यक्तियों का संख्या 2500, तो कॉफी में कुल मिला के संख्या 2500 होना चाहिए। पहले से 1500 है, 1000 अगर और हम लिख देते हैं तो कॉफी पीने वाला का संख्या कितना हो जाएगा आपका, 2500। देख लीजिए, जो डाटा दे रखा है उसके हिसाब से हम लोगों ने यहाँ पे वेन डायग्राम बना लिया। 1500 लोग चाय और कॉफी दोनों पीते हैं, बोला है 3200 लोग चाय पीते हैं, देख लीजिए है ना, चाय वाले वेन डायग्राम में 3200, 2500 लोग कॉफी पीते हैं, कॉफी वाले वेन डायग्राम में कितना, 2500 लोग हो गया। ठीक है, चलिए अब अगर आपसे हम पूछे कि केवल चाय पीने वाले व्यक्तियों का संख्या 1700, केवल कॉफी पीने वाले व्यक्तियों का संख्या 1000, इसके अलावा अगर आपसे हम पूछे कि चाय पीने वाला तो 3200, कॉफी पीने वाला तो 2500, अच्छा पीने वाला का कुल संख्या बताइए, कुल पीने वाला का संख्या बताइए कितना, तो सबको जोड़ लीजिए, 1700 और 15, 3200 और 1000, 4200। यहाँ पे जो कुल संख्या आया है वह कितना आया है, 4200 आया है। सब कुछ अगर आप जोड़ लेते हैं तो कितना आएगा आपका, 4200, 1700 प्लस 1500 प्लस 1000, केवल चाय दोनों और कॉफी सबको ऐड करिए, 4200। 4200 किसका संख्या आया है, 4200 संख्या आया है
या तो चाय पिएगा या कॉफी पिएगा या दोनों पिएगा, यानी पीने वाले का संख्या 4200 आया। गांव की कुल आबादी कितना था? गांव की कुल आबादी 5000 था, तो 5000 में से 4200 लोग चाय या कॉफी या दोनों पिएगा, तो शेष कितना बचा? शेष बचा है 800 लोग, या जो 800 लोग है वह ना तो चाय पिएगा और ना ही कॉफी पिएगा। यह चीज क्लियर हो रहा होगा। कुल मिला के पीने वाले का संख्या कितना आया? 4200। तो 4200 ही ऐसे लोग हैं जो या तो चाय पिएगा या फिर कॉफी पिएगा या फिर दोनों पिएगा। तो 5000 गांव की कुल आबादी थी, इसमें से 4200 लोग चाय या कॉफी पिएगा, तो शेष कितना बचा? 800। वह वैसे लोग हैं जो ना तो चाय पिएगा ना कॉफी पिएगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन हमसे वही पूछा गया था कि कितने लोग हैं जो ना तो चाय पीते हैं ना कॉफी पीते हैं, तो आंसर क्या होगा हमारा? 800 होगा, क्योंकि 4200 लोग पीता है 5000 में से, तो 800 ऐसे लोग होंगे जो ना तो चाय पियेंगे ना कॉफी। अब दूसरा जो क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही ध्यान से आप जवाब दीजिएगा इसका। चाय नहीं पीने वाला का संख्या आपको बताना है, चाय नहीं पीने वाला का संख्या कितना होगा? ठीक है, जो चाय नहीं पीता है उसका संख्या बताइए क्या होगा। बहुत ही ध्यान से इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, चाय नहीं पीने वाला। तो देखिए, जो इस वेन डायग्राम में होगा वह चाय पी रहा होगा, जो इस वेन डायग्राम में होगा वह चाय पी रहा होगा, तो इसको आप हटा लीजिए, यानी कि 3200 लोग जो है वह चाय पीने वाले हैं, 3200 लोग चाय पीने वाले हैं, देख लीजिए। तो शेष कितना बचा? कुल आबादी है गांव का 5000, 5000 में से 3200 लोग चाय पीते हैं, यानी शेष कितना बचा? 1800, 1800 लोग ऐसा होगा जो चाय नहीं पिएगा। फिर से समझिए, चाय पीने वाला कितना लोग है? 3200, कुल कितने व्यक्ति में? 5000 में। तो 5000 में से 3200 लोग चाय पिएगा, तो शेष कितना लोग बचा? 1800, यह चाय नहीं पिएगा। आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, देखिए चाय जो चाय नहीं पिएगा है ना, जो इस डायग्राम में नहीं है उसका संख्या कितना? 1000। तो जो चाय नहीं पिएगा, जो इसमें नहीं होगा, तो इसमें नहीं है वैसा कितना है? 1000। और 800 ऐसा भी तो है जो चाय और कॉफ़ी कुछ नहीं पीता है, तो नहीं पीने वाले में इस 800 को भी तो काउंट करेंगे, तो चाय नहीं पीने वाला यानी 1000 और 800, 1800 हो जाएगा। कॉफ़ी नहीं पीने वाले, तो देखिए कॉफ़ी नहीं पीने वाले कितना हो जाएगा, जो इस डायग्राम में नहीं होगा, तो 1700 और प्लस 800, यानी कि 1700 और 800 2500 ऐसे लोग होंगे जो कॉफ़ी नहीं पियेंगे। यहाँ से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं कि जब आपका 2500 लोग कॉफ़ी पीता है, तो 5000 में से 2500 लोग कॉफ़ी पीता है, तो शेष कितना लोग बचा? 2500, वह कॉफ़ी नहीं पिएगा, है ना। तो बहुत ही ध्यान से आप आंसर दीजिएगा क्वेश्चन का। पहला क्वेश्चन था, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखिएगा यहां पे क्या बोला है, बोला है एक कक्षा में कुल 500 विद्यार्थी। अच्छा, इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को हम लोग बाद में देखेंगे, पहले एक छोटा सा डाटा आप अलग से देखिए। जैसे मान लीजिए कि किसी ऑफिस में हमने सर्वे करवाया है ना, हमने सर्वे यह करवाया, किसी सभा में हमने सर्वे करवाया कि कितने लोग चाय पियेंगे, तो चाय का ऑर्डर जो है ना, चाय का ऑर्डर हमारे पास कुल 15 आया है। 15 किसका ऑर्डर आया है? चाय का। चाय का ऑर्डर कुल 15 लोगों ने दिया। और जब हमने कॉफ़ी का ऑर्डर लिया, तो कॉफ़ी का ऑर्डर कुल मिला के ना, कॉफ़ी का ऑर्डर कुल मिला के 20 लोगों ने दिया। जबकि टोटल पर्सन जो सभा में उपस्थित था वह मात्र 30 था। बहुत ही ध्यान से कॉन्सेप्ट समझिएगा, किसी सभा में कुल मिला के 30 ही व्यक्ति थे, किसी मीटिंग में मात्र 30 व्यक्ति था, लेकिन जब हमने लोगों से चाय के लिए ऑर्डर मांगा, तो 15 लोगों ने चाय का ऑर्डर किया और 20 लोगों ने कॉफ़ी का ऑर्डर किया। अब चाय और कॉफ़ी को ऐड करिए तो कितना आता है टोटल ऑर्डर, कितना आया? 20 और 15 35। अब सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपको समझना है कि चाय का 15 ऑर्डर आया, कॉफ़ी का 20 ऑर्डर आया, यानी कि कुल ऑर्डर का संख्या 35 आ गया, जबकि व्यक्ति 30 ही है। तो यह 5 एक्स्ट्रा ऑर्डर क्यों आया है? तो 5 एक्स्ट्रा ऑर्डर इसलिए आया है क्योंकि 5 ऐसा व्यक्ति होगा जो चाय का भी ऑर्डर कर दिया होगा और कॉफ़ी का भी ऑर्डर कर दिया होगा। 5 ऐसे व्यक्ति होंगे जो चाय में भी अपना हाथ खड़ा किया होगा है ना, और कॉफ़ी में भी। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। मान लीजिए कि हम बोले कि किसी जगह पे किसी सभा में 80 लोग है, अब इसमें से 50 लोग चाय पीते हैं और 40 लोग कॉफ़ी पीते हैं, तो चाय प्लस कॉफ़ी मिला के कितना हो गया? 90 हो गया, जबकि व्यक्ति 80 ही है और यहाँ पे 90 आ गया। इसका सीधा सा मतलब है कि 10 ऐसे लोग होंगे जो चाय भी पीते होंगे और कॉफ़ी भी पीते होंगे। ठीक है, आइए अब इस क्वेश्चन के ऊपर इसी कॉन्सेप्ट को लागू करते हैं। बोला है एक कक्षा में 500 विद्यार्थी है, कुल विद्यार्थी कितना है? 500।
इसमें से 300 विद्यार्थी हिंदी बोलता है और 400 विद्यार्थी अंग्रेजी बोलता है। अब देखो 500 विद्यार्थी में से ही 500 विद्यार्थी में से ही 300 अंग्रेजी बोलता है और 400 हिंदी बोलता है, तो 300 प्लस 400 कितना हो गया, कुल विद्यार्थी यहाँ के हिसाब से 700 होगा, जबकि टोटल विद्यार्थी है कितना 500 ही है। जब अंग्रेजी और हिंदी वाले को अलग अलग हम ऐड किए तो कुल विद्यार्थियों का संख्या कितना आ गया 700, जबकि कुल विद्यार्थी मात्र 500 है, तो यह 200 एक्स्ट्रा क्यों आया, तो 200 ऐसा विद्यार्थी होगा, 200 ऐसा स्टूडेंट होगा जो अंग्रेजी भी बोलता होगा और हिंदी भी बोलता होगा। तो आइए अब हम लोग वेन डायग्राम बना लेते हैं। एक वेन डायग्राम हो गया हमारा अंग्रेजी के लिए यानी इंग्लिश के लिए, और एक वेन डायग्राम हम बना लेते हैं हिंदी के लिए। दो ही तो भाषा है, एक अंग्रेजी के लिए और एक हम लोग किसके लिए बना लेंगे यहाँ पे, हिंदी के लिए, और कुछ पार्ट हम लोग कॉमन कर देंगे। अब देखो यहाँ पे 500 विद्यार्थी में से 300 हिंदी बोलेगा, 400 अंग्रेजी, तो 300 और 400 700, 500 से 200 ज़्यादा है, यानी 200 ऐसा विद्यार्थी होगा जो अंग्रेजी और हिंदी दोनों बोलेगा, तो 200 को पहले हम यहाँ पे पुट कर लिए, ठीक है। अब चलिए, अब अंग्रेजी कितना लोग बोलता है 300, तो अंग्रेजी वाले में 300 आना चाहिए, तो 200 पहले से है, 100 और लिखिए, अंग्रेजी बोलने वाला का संख्या 300 हो जाएगा। आगे देख लीजिए, और 400 विद्यार्थी अंग्रेज चार सॉरी 300 हिंदी है ना, 300 विद्यार्थी हिंदी बोलता है, अब हिंदी बोलने वाला का संख्या 300 है, रुक जाइएगा, हिंदी बोलने वाला का संख्या 300, तो 200 पहले से है, यहाँ पे 100 और डालेंगे, हिंदी बोलने का संख्या बोलने वाला का संख्या 300 हो जाएगा। और 400 अंग्रेजी, अंग्रेजी में 400 होना चाहिए, तो अंग्रेजी में अभी तक में कितना है 200, 200 और लिखेंगे तो अंग्रेजी बोलने वाला का संख्या 400 हो जाएगा। देख लीजिए, कुल विद्यार्थियों का संख्या 500, 300 हिंदी, 400 अंग्रेजी, 300 400 700 हो गया, कुल विद्यार्थी की संख्या से 200 ज़्यादा आया, यानी 200 दोनों भाषा बोलेगा, तो 200 को हम यहाँ रखें। अब हिंदी बोलने वाला 300 था, तो 200 तो पहले से है हिंदी के वेन डायग्राम में, देखो तो 100 और डालेंगे, हिंदी बोलने वाला 300 हो जाएगा, अंग्रेजी 400, तो अंग्रेजी में कुल मिला के 400 कर दिए। अब यहाँ पर देखिएगा क्या है, अगर आपसे हम पूछे कि केवल अंग्रेजी बोलने वाला तो 200, केवल हिंदी बोलने वाला तो 100 हो जाएगा, और दोनों भाषा बोलने वाला तो 200, कुल विद्यार्थियों का संख्या 200, 200, 400 और 500 हो जाएगा, टोटल विद्यार्थी कितना है 500 ही है ना। अगर आपसे हम कहें अंग्रेजी न बोलने वाला, तो जो इसमें नहीं है कितना है 100, यानी अंग्रेजी न बोलने वाला का संख्या 100, यह 200 अंग्रेजी भी बोलेगा और हिंदी भी बोलेगा, नहीं बोलने वाला जो लाल वाला में नहीं होगा 100, हिंदी नहीं बोलने वाला कितना होगा 200 होगा। तो किसी क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। अब देखिएगा क्वेश्चन पहला क्या पूछा गया है, कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोलते हैं, हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोलने वाला का संख्या 200। आगे चलिए, ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो केवल हिंदी बोलते हैं, केवल हिंदी बोलने वाला का संख्या 100 हो जाएगा। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन है, ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो केवल अंग्रेजी बोलते हैं, केवल अंग्रेजी 200 हो जाएगा, आंसर विकल्प भी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो दो क्वेश्चन बहुत ही बेसिक क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत किए हैं, है ना, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग समझने का प्रयास किए हैं। आगे बढ़ते हैं, तीसरा क्वेश्चन देख लीजिएगा, इसका आपका केवल डाटा है, पहले आप वेन डायग्राम बना लीजिए, फिर उसके बाद इसका क्वेश्चन लेकर के आपके सामने हम आएंगे। देखिएगा, बोला यह गया है कि एक कक्षा में 30 विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए। देखिए, गणित में कितना विद्यार्थी उत्तीर्ण हुआ है 30, 50 विद्यार्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए और 80 विद्यार्थी रीजनिंग में। यहाँ तीन विषय है, गणित, अंग्रेजी और रीजनिंग। तो इस बार वेन डायग्राम जो बनेगा हमारा, तीन वेन डायग्राम बनेगा इस तरीके से, गणित है ना, दूसरा जो वेन डायग्राम बनेगा वो आपका बनेगा किसका, अंग्रेजी, और तीसरा जो वेन डायग्राम बनेगा वो आपका बनेगा किसके लिए, हिंदी के लिए। देखिए, यही तीन भाषा है ना, यहाँ पे क्या बोला है, सबसे पहले गणित, तो यह वेन डायग्राम हम बना लिए गणित के लिए, ठीक है। चलिए, अगला जो वेन डायग्राम है वह किसके लिए है, अंग्रेजी के लिए, यह हो गया आपका अंग्रेजी के लिए, और तीसरा जो है वह आपका रीजनिंग के लिए, तीसरा जो है वो आपका किसके लिए है, रीजनिंग के लिए, है ना, रीजनिंग के लिए है। तीसरा वेन डायग्राम हमारा किसके लिए हो गया, रीजनिंग के लिए। जब तीन वेन डायग्राम बनाएंगे तो इस तरह से पार्ट कॉमन करेंगे। अब यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें क्या करना है ना, कि सबसे पहले जो तीनों में कॉमन होगा उसको लिखेंगे, उसके बाद फिर दो में जो कॉमन होगा उसको लिखेंगे, और उसके बाद फिर लिखेंगे जो केवल एक में होगा। सबसे पहले क्या लिखना है, जो तीनों में कॉमन होगा, उसके बाद जो किसी दो में कॉमन होगा, और उसके बाद जो केवल एक में होगा।
यह मेथड आप ध्यान रखिएगा 3-2-1। अगर ऐसा ऐसा चार वेन डायग्राम बना दे तो 4-3-2-1। ओके, अब चलिए सबसे पहले हम क्या खोजेंगे इसमें से, तीनों विषय पढ़ने वाला, तीनों विषय में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या, तो सबसे लास्ट में ही होगा। तो देखिए अंग्रेजी रीजनिंग और गणित में उत्तीर्ण तीनों में दो विद्यार्थी उत्तीर्ण हुआ, तीनों में उत्तीर्ण होने वाले का संख्या कितना, दो, तो दो हम कहां रखेंगे, यहां पे रखेंगे, यही भाग तो तीनों में कॉमन है ना। तो सबसे पहले आपको लिखना है जो तीनों में कॉमन होगा और वह संख्या केवल एक होगा। तो चलिए इसका काम हो गया, अब आपका क्या बचा है, अब जो कोई दो में कॉमन होगा उसको लिखिएगा। तो दो में देखिए कॉमन क्या क्या है, यहां से चलिए पांच विद्यार्थी गणित और अंग्रेजी, पांच कहां कॉमन है, गणित और अंग्रेजी में, तो गणित और अंग्रेजी में पांच लोग होना चाहिए। तो गणित और अंग्रेजी में इस दोनों में देखिए पहले से दो है तो तीन और लोग को रखिए, गणित और अंग्रेजी में पांच लोग हो जाएगा। इस दो को तो काउंट करिएगा ना, गणित और अंग्रेजी में तीनों में है तो क्या गणित और अंग्रेजी में नहीं है, सर गणित और अंग्रेजी में तो है। तो गणित और अंग्रेजी में कुल मिला के संख्या कितना है, पांच, पहले से देखिए काले वाले में और ब्लू वाले में पहले से दो है कॉमन, तीन और लिखेंगे तो गणित और अंग्रेजी में कितना हो जाएगा, पांच। आगे चलिए, अब बोला है कि 15 विद्यार्थी अंग्रेजी और रीजनिंग में, 15 कहां है, अंग्रेजी और रीजनिंग में, अंग्रेजी और रीजनिंग में 15। तो देखिए अंग्रेजी और रीजनिंग में पहले से दो है तो यहां पे कितना रखेंगे, 13। देखिए अंग्रेजी और रीजनिंग में इस वाले वेन डायग्राम में और इस वाले वेन डायग्राम में कॉमन 15 व्यक्ति हो गया, हाँ सर 15 व्यक्ति कॉमन हो गया। आगे देखिए, अब आगे क्या बोला है, अब आगे बोला है कि 10 विद्यार्थी गणित और रीजनिंग में, गणित और रीजनिंग में 10, तो यह गणित है यह रीजनिंग है, दोनों में 10 होना चाहिए, तो पहले से गणित और रीजनिंग में दो है तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, 8। देखो ना इस पार्ट में और इस पार्ट में पहले से दो था है ना, और हमसे क्या बोला था कि गणित और रीजनिंग में 10 होना चाहिए, तो गणित और रीजनिंग मतलब लाल वाले में और ब्लू वाले में 10 व्यक्ति होना चाहिए, पहले से दो था, 8 व्यक्ति को और लिखे, 10 व्यक्ति हो गया। ठीक है, चलिए यानी कि 2 वाला काम आप कर लिए, 3 का काम हो चुका है, 2 का काम हो चुका है, और अब करेंगे हम लोग 1 का काम। तो आइए अब स्टार्टिंग में चलते हैं। बोला है कक्षा में 30 विद्यार्थी गणित में, गणित में कितना, 30, तो गणित वाले में कुल 30 व्यक्ति होना चाहिए। तो अभी देखिए गणित में 8, 2, 10, 3, 13 है, कितना और लिखेंगे तो गणित में 30 विद्यार्थी हो जाएगा, 17। 8, 2, 10, 3, 13 व्यक्ति पहले से था, 17 व्यक्ति और लिखे, गणित में उत्तीर्ण हो गया 30 व्यक्ति। आगे बढ़िए, बोला है 50 विद्यार्थी अंग्रेजी में, 50 विद्यार्थी अंग्रेजी में, अंग्रेजी में 50 लोग होना चाहिए, तो 13, 2, 15 और 3, 18। 18 में कितना जोड़ेंगे, 50 होगा, 32। देख लीजिए अंग्रेजी में कुल मिला के 50 लोग हो गया, 13, 2, 15, 3, 18 व्यक्ति पहले से था, कुल इस भाग में इस वाले वेन डायग्राम में कुल 50 व्यक्ति होना चाहिए, 18 व्यक्ति था, 32 और लिखे, 50 हो जाएगा। आगे 80 विद्यार्थी रीजनिंग में, रीजनिंग में 80, तो देखिए 8, 2, 10 और 13 कितना हो जाएगा, 23। रीजनिंग में 80 होना चाहिए, 80 - 23 कितना हो जाएगा, 57 है ना, 57, यानी कि 57 जो होगा वह केवल रीजनिंग में हो जाएगा। 80 विद्यार्थी रीजनिंग में, तो रीजनिंग में अभी तक में कितना है, 8, 2, 10, 10 और 13, 23, तो अभी तक में 23 विद्यार्थी रीजनिंग में था, रीजनिंग में हमें कुल 80 विद्यार्थियों को बिठाना है, तो 57 और बिठाएंगे तो रीजनिंग में कुल 80 विद्यार्थी हो जाएगा। मतलब केवल आपको इस फॉर्मूला को ध्यान रखना है, 3-2-1, पहले जो तीनों में कॉमन होगा, उसके बाद जो दो में कॉमन होगा, उसके बाद जो एक में कॉमन होगा, और अब इसके बेसिस पर आप अपने किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। देखिए केवल गणित में 17, केवल अंग्रेजी में 32, केवल रीजनिंग में कितना हो जाएगा, 57 हो जाएगा। अब अगर हम आपसे कहे कि कुल विद्यार्थियों की संख्या बताइए क्या होगा, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या निकालने के लिए आप क्या करोगे, इन सभी संख्याओं को आपस में ऐड कर लोगे, जब सबको आपस में आप जोड़ोगे तो इससे निकल जाएगा आपका कुल विद्यार्थियों की संख्या। अब देखते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछा गया इसके बेसिस पर, है ना, क्वेश्चन क्या पूछा गया है इसके बेसिस पर देख लेते हैं। यहां पर आपका जो क्वेश्चन था यही वाला सब है, हाँ जी देखिएगा क्या क्वेश्चन पूछा गया, कुल मिला के 4 क्वेश्चन इसके ऊपर पूछा गया है। पहला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, पहला क्वेश्चन इसमें है ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो केवल गणित में उत्तीर्ण है, ऐसे कितने विद्यार्थी जो केवल गणित में, आंसर क्या करेंगे हम, 17 करेंगे, विकल्प ए आंसर हो जाएगा। दूसरे में चलिए, ऐसे कितने विद्यार्थी है जो केवल अंग्रेजी में, केवल अंग्रेजी में कितना, 32 विद्यार्थी, आंसर हम करेंगे विकल्प बी। आगे चलिए अगला बोला है कि ऐसे कितने विद्यार्थी है जो केवल रीजनिंग में, केवल रीजनिंग में कितना हो जाएगा, 57 हो जाएगा। इसके आगे बढ़िए,
कुल विद्यार्थियों की संख्या बताइए, तो सबको जोड़ लीजिए, इन सभी वैल्यूज को जोड़ लीजिए, 17 तीन 20, 20 और 10 30, 30 और यहाँ पे 70 है, 100 और 100 और 32, 132, कुल विद्यार्थियों का संख्या क्या होगा, 132। कुल विद्यार्थियों का संख्या पूछा है तो हम क्या करेंगे, इन सभी वैल्यूज को आपस में हम ऐड कर देंगे, इससे निकल जाएगा कुल विद्यार्थियों की संख्या। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा क्या बोला गया है, बोला गया है कि एक कक्षा में 300 विद्यार्थी हिंदी में उत्तीर्ण, ठीक है भाई, 200 विद्यार्थी अंग्रेजी में, 250 विद्यार्थी गणित में, 50 विद्यार्थी हिंदी और अंग्रेजी में, 25 विद्यार्थी अंग्रेजी और गणित में, 75 विद्यार्थी गणित और हिंदी में, ठीक है, हिंदी अंग्रेजी और गणित तीनों में 20 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। इन सूचनाओं के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों का जवाब दें। देखिए इस बार भी हम लोग क्या करेंगे, कुल मिला के कितना वेन डायग्राम बनाएंगे, 3 वेन डायग्राम बनाएंगे, हिंदी के लिए, अंग्रेजी के लिए, गणित के लिए, ठीक है, 3 वेन डायग्राम हम लोग का बनेगा, एक हिंदी के लिए, एक अंग्रेजी के लिए और एक गणित के लिए। तो आइए यहाँ पे बनाते हैं, एक तो हो गया हमारा हिंदी के लिए, एक हो गया आपका अंग्रेजी के लिए, और तीसरा जो वेन डायग्राम होगा ना वह गणित के लिए हो गया, ठीक है। चलिए हिंदी, अंग्रेजी और गणित, यह हो गया हिंदी के लिए, ठीक है भाई, यह हो गया आपका अंग्रेजी के लिए, और नीचे वाला जो है ना वो आपका गणित के लिए हो गया, मैथ्स के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमने आपसे क्या कहा है कि सबसे पहले जो तीनों में कॉमन होगा उसको लिखिएगा, 3 2 1, याद रखिए तीनों में कॉमन, देखिए क्या बोला है, बोला है 20 विद्यार्थी अंग्रेजी, हिंदी अंग्रेजी और गणित, तीनों में 20 विद्यार्थी, तो सबसे पहले इस 20 को लिखिए, कहाँ पे इस 20 को लिखिएगा, जो तीनों पार्ट में कॉमन भाग होगा वहीं पे। तो 20 विद्यार्थी तीनों में उत्तीर्ण हो गया, अब आगे, अब जो कोई दो में उत्तीर्ण होगा उसको लिखिए, तो यहाँ से चलिए, यहाँ से दो दो वाला मिल जाएगा, 50 विद्यार्थी हिंदी और अंग्रेजी में, तो हिंदी और अंग्रेजी में मिला के 50 होना चाहिए, तो हिंदी और अंग्रेजी में पहले से 20 है तो 30 और लिखिए, देख लीजिए हिंदी और अंग्रेजी में 50 विद्यार्थी हो जाएगा, या 20 तो पहले से है ना हिंदी और अंग्रेजी में, देख लीजिए सब जगह है तो हिंदी और अंग्रेजी में भी होगा, तो हिंदी और अंग्रेजी में कुल 50 ही होना चाहिए, तो 20 पहले से था तो 30 और लिखिए। आगे बढ़िए, 25 विद्यार्थी अंग्रेजी और गणित, अंग्रेजी और गणित में 25, अंग्रेजी और गणित, अंग्रेजी और गणित में 25, तो पहले से 20 है तो 5 और लिखेंगे, अंग्रेजी और गणित में 25 हो जाएगा। आगे बढ़िए, बोला है 75 विद्यार्थी गणित और हिंदी, गणित और हिंदी में 75, गणित और हिंदी में 75, पहले से कितना है 20 है, 55 लिखेंगे 75 हो जाएगा, 55 और 20 75, हमें कितना विद्यार्थी को लिखना है, 75 विद्यार्थी को गणित और हिंदी में, तो गणित यहाँ पे देखिए गणित और हिंदी में पहले से 20 था, 55 और लिखेंगे तो 55 और 20 75 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे बारी बारी से प्रत्येक वाले में, जो केवल एक वाले में, सबसे पहले जो तीनों में कॉमन था, उसके बाद जो दो में कॉमन था, अब हम लोग लिखेंगे जो केवल एक में होगा। तो यहाँ से चलिए स्टार्टिंग में 300 विद्यार्थी हिंदी में, हिंदी वाले में कितना होना चाहिए 300, तो अब तक में देखिए 55 और 30 कितना हो जाएगा 85 और 20 105, तो आपका इस पार्ट में ना हिंदी में टोटल 300 होना चाहिए, 105 है तो 195 अगर और लिखेंगे तो कुल संख्या 300 हो जाएगा। देखो तो जरा, अगर 195 लिखते हैं तो देखिए 55 और इस 5 को इसमें ऐड करिए 200 हो जाएगा, 50 भी 70 30 100 हो जाएगा, 300 हो जाएगा। इस वाले वेन डायग्राम में कुल व्यक्ति 300 होना चाहिए, तो 30 20 50, 50 और 55 105 था, 105 में कितना ऐड करेंगे तो 300, 195 300 विद्यार्थी आपका कितना कहाँ होना चाहिए, हिंदी में, हिंदी में 300 हो गया। आगे बढ़िए, 200 विद्यार्थी अंग्रेजी में, 200 विद्यार्थी अंग्रेजी में, अंग्रेजी में 200, तो अब अंग्रेजी में अभी तक कितना है 30 20 50, 50 और 5 55, 55 में कितना ऐड करेंगे तो 200 हो जाएगा, 145, यानी केवल अंग्रेजी में 145, अंग्रेजी में पूरा 200 होना चाहिए, तो अब तक अंग्रेजी में 30 20 50 5 55 है, 55 में 145 ऐड करेंगे 200। और 250 विद्यार्थी गणित में, गणित में 250, गणित में कितना होना चाहिए 250, तो देखिए 55 और 5 60 और 20 80, 80 तो पहले से है, अब 80 में कितना ऐड करेंगे तो 250 हो जाएगा, 170, 8 7 15 170, यानी केवल गणित में आपका 170, ठीक है। हमें क्या याद ध्यान रखना है, पहले 3 फिर 2 फिर 1, आप नीचे से ऊपर की ओर जा सकते हैं, पहले तीनों में पास, फिर उसके बाद दो वाला में पास, फिर उसके बाद एक वाले में पास। ओके चलिए, अब आपको देखना है इसमें
कुल विद्यार्थियों की संख्या बताइए, कुल विद्यार्थियों की संख्या बताना है तो हम क्या करेंगे, सभी को ऐड कर लेंगे, सबको जोड़िए, कुल विद्यार्थी का संख्या निकल जाएगा। तो आइए जोड़ते हैं, 195 में 55 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा यह आपका 250, 250 में 50 ऐड करेंगे कितना होगा 300, 300 में देख लीजिए दोनों मिला के 150 है, ऐड करेंगे 450, और 450 में 170 ऐड करेंगे 620, कितना हो जाएगा संख्या आपका 620, कुल विद्यार्थियों का संख्या 620, सबको ऐड कर लीजिए, जोड़ लीजिएगा, कुल विद्यार्थियों की संख्या निकल जाएगा। यह तो इसके बेसिस पर एक क्वेश्चन था, और भी कई क्वेश्चन इसके ऊपर पूछा गया है, आइए उन क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं। यहाँ पे आपका देखते हैं यही वाला था ना, केवल गणित में नहीं, यह वाला क्वेश्चन तो नहीं था आपका, यहाँ पे आ जाते हैं, देखिए यह क्वेश्चन आपका पूछा गया था, देखिएगा एक क्वेश्चन तो हम लोग देख लिए हैं, बाकी का तीन क्वेश्चन यहाँ पे है। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, केवल गणित और अंग्रेजी में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या, गणित और अंग्रेजी में, तो गणित और अंग्रेजी, यहाँ देखिए अंग्रेजी यह है, गणित यह है, केवल गणित और अंग्रेजी मतलब तीनों में नहीं, अंग्रेजी और गणित में जो कॉमन होगा उसका संख्या कितना है 5, केवल गणित और अंग्रेजी मतलब केवल गणित और अंग्रेजी में जो कॉमन होगा, तो गणित और अंग्रेजी में कॉमन कितना है 5। आगे चलिए, केवल हिंदी और अंग्रेजी, जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों जगह कॉमन होगा केवल उसको काउंट करिए, केवल हिंदी और अंग्रेजी, केवल हिंदी और अंग्रेजी में कॉमन कितना है 30, या 30 केवल हिंदी और अंग्रेजी में है ना, मैथ्स में नहीं है, केवल हिंदी और अंग्रेजी कहने का मतलब इसी दोनों में कॉमन होना चाहिए, इसमें नहीं, तो इसका संख्या कितना है 30। आगे चलिए, बोला है केवल गणित में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या, केवल गणित में, तो केवल गणित में कितना है 170, आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा, विकल्प बी 170 हो जाएगा, केवल गणित में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे देखिएगा क्या बोला है, बोला है एक कक्षा में कुल 600 विद्यार्थी हैं, यह क्वेश्चन थोड़ा स्पेशल है, बहुत ही ध्यान से समझिएगा इसको, बोला क्या है 600 विद्यार्थी है, 300 गणित में, 200 अंग्रेजी में, 100 विद्यार्थी हिंदी में, 50 हिंदी और अंग्रेजी में, 75 अंग्रेजी और गणित में, 30 विद्यार्थी है ना गणित और हिंदी में, अंग्रेजी हिंदी अंग्रेजी और गणित तीनों में 20 विद्यार्थी। चलिए यहाँ से क्वेश्चन को हम लोग शुरू करते हैं, सबसे पहले तीन अलग अलग विषय है तो तीन अलग अलग वेन डायग्राम हम लोग बना लेते हैं, पहला हो गया ये आपका, यह आपका दूसरा वेन डायग्राम हो गया, और एक और बनाएंगे क्योंकि कुल मिला के कितना सब्जेक्ट यहाँ पे है, कुल मिला के यहाँ पे ना तीन सब्जेक्ट है। ठीक है, चलिए देखिएगा क्या क्या है आपका, गणित है, सबसे पहले हम लोग लिखे गणित, यह वेन डायग्राम हमारा मैथ्स के लिए हो गया, यह आपका इंग्लिश के लिए हो गया, मैथ्स के बाद इंग्लिश है, और उसके बाद क्या है आपका हिंदी, हाँ जी मैथ्स के बाद यह क्या हो गया आपका इंग्लिश, और यह जो वेन डायग्राम है वह हमारा हिंदी के लिए हो गया। ठीक है, मेथड आपको ध्यान रखना है, पहले 3 फिर 2 फिर 1, बोला है कि 20 विद्यार्थी तीनों में, तो सबसे पहले हम 20 को लिखेंगे यहाँ पे, 20 तीनों में उत्तीर्ण हो जाएगा, अब दो दो वाले में चलिए, तो इस डाटा का काम कर लिए हैं तो जस्ट ऊपर ही चलिए, 30 विद्यार्थी गणित और हिंदी, तो गणित और हिंदी में, गणित और हिंदी में 30, 20 पहले से है, 10 और डालेंगे गणित और हिंदी में, देखिए ब्लू वाले में रेड वाले में 30 व्यक्ति हो गया। आगे 75 विद्यार्थी अंग्रेजी और गणित, अंग्रेजी और गणित इस दोनों में 75, इस दोनों में 75, 20 पहले से है, 55 और डालेंगे 75 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाँ जी अगला क्वेश्चन देखते हैं, अब क्या बोला है 50 विद्यार्थी हिंदी अंग्रेजी, हिंदी और अंग्रेजी में 50, हिंदी और अंग्रेजी में 50, तो 20 पहले से है, 30 और डालेंगे हिंदी और अंग्रेजी में 50 हो जाएगा, अब तक कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़िए 100 विद्यार्थी हिंदी में, हिंदी में 100 होना चाहिए, तो 30 20 50 10 60, 60 में कितना ऐड करेंगे 100 हो जाएगा 40, तो हिंदी में 100 होना चाहिए, अब तक 30 20 50 10 60 ही था, 40 लिखेंगे हिंदी में 100 हो जाएगा। 200 विद्यार्थी अंग्रेजी में, केवल अंग्रेजी नहीं बोला है, अंग्रेजी मतलब पूरे अंग्रेजी में 200, तो अंग्रेजी में देखिए 55 और 20 75 और 30 105, 105 में कितना ऐड करेंगे तो 200 हो जाएगा, 105 में 95 ऐड करेंगे तो 200 हो जाएगा। क्या बोला है 200 विद्यार्थी अंग्रेजी में, तो अंग्रेजी में देखिए तो 200 हो गया, 20 30 50 50 100 और 100 200, ठीक है, और 300 गणित में, गणित में 300 होना चाहिए,
तो 55 और 20 75 और 10 85, 85 में अगर हम ऐड करते हैं 215, ठीक है, 85 में 215 ऐड करते हैं तो 300 हो जाएगा, तो गणित में 300 हो गया। चलिए पूरी तरह से आपका डाटा यहाँ पे क्लियर है, 300 विद्यार्थी गणित में, गणित में कितना होना चाहिए 300, ऐड करके देखिए 215 में 55 ऐड करिए कितना हो जाएगा, यह आपका 270 हो जाएगा, 270 और 30 300 हो गया आपका गणित में। अंग्रेजी में कितना होना चाहिए 200, देखिए तो अंग्रेजी में 200 है कि नहीं, 95 और 55 150, 150 और 50 200, ठीक है। हिंदी में कितना होना चाहिए 100, देखिए 30 20 50 60 और 40 100, क्लियर। अब क्वेश्चन पे आइए, मेन जो इसका है वो आपका क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन पे आइए, देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा है। पहला क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है, यह सब जो भी डाटा था वह उत्तीर्ण वाला का था, पास वाला का था, ठीक है। यहाँ जो भी डाटा है वह किसका है, पास का, 215 केवल गणित में पास, 40 केवल हिंदी में पास, 95 केवल अंग्रेजी में पास, पास का। लेकिन क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है, केवल अंग्रेजी और गणित में अनुत्तीर्ण, इस डाटा पे ध्यान रखिएगा, अनुत्तीर्ण यानी कि फेल होने वाले विद्यार्थी का संख्या, किसमें फेल होने वाले विद्यार्थी का संख्या बताना है, केवल अंग्रेजी और गणित में, तीनों में फेल का संख्या नहीं बताना है, तीनों में फेल का संख्या बताना होता तब तो बहुत आसान हो जाती हमारे लिए। क्यों आसान हो जाता, क्योंकि देखिए टोटल कितना विद्यार्थी है 600, तो टोटल 600 विद्यार्थी है यह बात तो हमें पता है, देखिए टोटल 600 विद्यार्थी है यह बात तो हमें पता है, क्वेश्चन में ही दे रखा है टोटल कितना, टोटल 600। अच्छा इस टोटल 600 में से पास कितना हुआ है, पास कहने का मतलब या तो अंग्रेजी में पास या हिंदी में पास, है ना, या गणित में पास या तीनों में पास या कोई दो में पास, पास कितना है, तो इन सबको ऐड करेंगे तो इससे पास निकल जाएगा, तो सबको ऐड करिए देखते हैं कितना आता है। देखिए यहाँ तक में 300 होगा, 215 और 55 कितना हो गया आपका यहाँ 300, ठीक है, यहाँ तक में 300 और 370, 370 में 95 ऐड करेंगे, ऐड करिए जरा सा, 370 में कितना ऐड करना है 95, तो यह हो जाएगा आपका 5 9 7 16 6 हासिल 1 3 और 1 4 465 हो जाएगा। देखिए यह कितना हो जाएगा आपका 465 हो जाएगा, सबको हमें ऐड कर लेना है, सबको हमें ऐड कर लेना है, इससे क्या निकलेगा, इससे निकलेगा पास विद्यार्थियों की संख्या 465, इन सबको जोड़ लिए, यह तो आपका 300 है, गणित में 300 था, उसके बाद 70, तो 370, 370 में 95 जोड़ेंगे 465, तो पास विद्यार्थियों का संख्या 465। अच्छा एक बात बताओ, यह जो पास होगा ध्यान से समझिएगा, यह पास किस में होगा, 465 सबको जोड़े है ना, वह केवल गणित में पास हो सकता है या गणित और अंग्रेजी में पास होगा या तीनों में पास होगा, मतलब पास चाहे एक विषय में या दो विषय में या तीनों विषय में ना, पास विद्यार्थियों का संख्या 465, तो तीनों विषय में फेल यानी पूरी तरह से फेल विद्यार्थियों का संख्या कितना होगा, तो 600 में से 465 माइनस करिए, 135 ऐसे विद्यार्थी हैं जो फेल कर गए हैं तीनों विषय में, क्योंकि 600 कुल विद्यार्थियों की संख्या जो क्वेश्चन में दे रखा था स्टार्टिंग में, पास आ गया है आपका 465, पास का मतलब उत्तीर्ण 465, तो शेष जो बचेगा 600 में से वह क्या होगा, फेल, तो 135 विद्यार्थी क्या होगा, फेल। अब क्वेश्चन को गौर से देखिएगा, बोला है केवल अंग्रेजी और गणित में फेल, केवल अंग्रेजी और गणित में, बोलता है तीनों विषय में फेल, तो हमारा आंसर क्या होता है 135, 135 तीनों विषय में फेल। लेकिन बोला है केवल अंग्रेजी और गणित में अनुत्तीर्ण, मतलब केवल अंग्रेजी और गणित में फेल, इसका मतलब पता है क्या हुआ, अंग्रेजी और गणित में फेल, अंग्रेजी और गणित में फेल कहने का मतलब कि ऐसे विद्यार्थियों को चुनना है जो केवल हिंदी में पास हो, अंग्रेजी और गणित में, केवल अंग्रेजी और गणित में फेल, है ना, तो अंग्रेजी और गणित में फेल, तीनों विषय में फेल हमें नहीं बताना है। देखिएगा यहाँ पे इसको ऐसा समझिएगा, अंग्रेजी और आपका गणित इस दो जगह पे क्या निकालना है, यहाँ पे भी फेल होना चाहिए, यहाँ पे भी फेल होना चाहिए, दोनों जगह फेल, लेकिन हिंदी में क्या होना चाहिए, हिंदी में आपका पास होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि अंग्रेजी और गणित में फेल, इसका मतलब केवल हिंदी में पास, तो केवल हिंदी में पास कितना है 40, तो आंसर हो जाएगा हमारा कितना 40। अंग्रेजी और गणित में अनुत्तीर्ण, केवल अंग्रेजी और गणित में फेल, इसका मतलब कि केवल हिंदी में पास। आगे चलिए अगला क्वेश्चन, बोला है केवल अंग्रेजी और हिंदी में फेल, केवल अंग्रेजी और हिंदी में फेल,
तो अंग्रेजी और हिंदी में फेल, इसका मतलब देख लीजिए, अंग्रेजी और हिंदी में फेल यानी केवल गणित में पास, इसका संख्या क्या होगा? 215। जब भी ऐसे क्वेश्चन बोले कि केवल गणित और हिंदी में फेल, इसका मतलब केवल अंग्रेजी में पास, केवल गणित और अंग्रेजी में फेल, इसका मतलब हिंदी में पास, ठीक है, भाषा पे ध्यान दीजिएगा। अगला, उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या सबको जोड़ लीजिए 465, उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का संख्या कितना 465। आगे, तीनों विषय में अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या, तीनों विषय में अनुत्तीर्ण, तीनों विषय में फेल कितना हुआ है 135। तीनों विषय में फेल बोलेगा तो 135 संख्या हो जाएगा, लेकिन अगर कोई दो विषय में फेल बोलेगा, बोलेगा कि गणित और अंग्रेजी, केवल गणित और अंग्रेजी में फेल, मतलब केवल इस दोनों में फेल, इसका मतलब कि वैसे छात्रों का संख्या पूछा जा रहा है जो केवल हिंदी में पास। अगर बोले कि केवल अंग्रेजी और हिंदी में फेल छात्रों की संख्या बताइए, तो केवल अंग्रेजी और हिंदी में फेल वही होगा जो केवल गणित में पास होगा, इसका मतलब क्या हुआ, जो केवल गणित में पास। तो बस भाषा को ना थोड़ा अच्छी तरह से समझना होता है, परखना होता है। ओके, चलिए, तो इस तरीके से आपका वेन डायग्राम का जो है वह टाइप वन समाप्त हुआ। अगले दिन इसके हम लोग टाइप टू और टाइप थ्री को भी समाप्त करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, वापस मुलाकात होगी अगले दिन अगले क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।